श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जन्म कथा श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। पंडित शिवदत्त को राम रूप में दर्शन। पंडित शिवदत्त अपनी युवावस्था से ही प्रातः सूर्य निकलने के समय गंगा घाट जाकर स्नान करता, सूर्य को पानी देता और पुनः पाठ करता था। पंडित अब वृद्ध हो गया था, लेकिन उसे अभी अपने इष्ट के दर्शन नहीं हुए थे। पंडित शिवदत्त श्री रामचंद्र जी का उपासक था और उनकी मूर्ति का ध्यान करके समाधि लगाकर गंगा किनारे कई कई घंटे रोज बैठता रहता था। पंडित कई बार सोचता था कि रामो राम जपो दिए मेरी जिय घस गई, पर आज ना राम बहु दिया एक ही धड़ पई। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। मुझे क्या हो गया है, मैंने इतनी आयु राम राम जपते व्यतीत कर ली है, लेकिन राम जी के दर्शन अभी तक क्यों नहीं हुए। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पंडित शिवदत्त भी गंगा किनारे बालकों के साथ खेलने और स्नान करने आते सदगुरु जी को कई बार देखता था और उनकी लोगों के पास आशाएं मुरादें पूरे होने वाली कथा कहानियां भी सुनता रहता था, और यह भी जानता था कि लोग इनको परमेश्वर का अवतार मानते हैं। यह सब कुछ विचार करके एक दिन उसने भी अपने मन में प्रण कर लिया कि अगर यह पूर्ण अवतार है तो मुझे श्री रामचंद्र जी के रूप में दर्शन दे, तो मैं इनको सच्चा अवतार मानूंगा और आगे से इनकी पूजा किया करूंगा। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इन विचारों में ही एक दिन पंडित शिवदत्त गंगा किनारे अपने नियम अनुसार समाधि लगाए बैठा था कि गुरुजी, जो उस समय बालकों के साथ खेल रहे थे, पंडित के आगे खड़े हो गए। पंडित को ये लगा कि जैसे श्री रामचंद्र जी उसके सामने साक्षात खड़े हैं। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। शिवदत्त ने जब ये अनुभव कर बड़े उत्साह के साथ आंखें खोलकर देखा तो आगे बालक गुरुजी खड़े हंस रहे थे। यह देखकर पंडित की हैरानी और प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। पंडित तत्काल ही उठा और गुरुजी के चरणों पर शीश रखकर अपना आप गुरुजी के हवाले कर दिया। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इस दिन से पंडित शिवदत्त की यह बात सारे शहर में फैल गई कि गुरुजी ने पंडित को श्री रामचंद्र जी के रूप में दर्शन दिए और शिवदत्त उनका भक्त बन गया है। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। फिर एक दिन गुरुजी गंगा किनारे उसी घाट पर ही बालकों के संग खेल रहे थे कि आप जी के बालक रूप पर राजा फतेह चंद मोनी की रानी स्नान करने आई। मोनी हो गई, रानी के घर संतान नहीं थी, जिस कारण आप जी का सुंदर रूप देखकर उसके मन में यह लालसा जागी कि अगर इन जैसा मेरे घर पुत्र हो तो मैं कितनी भाग्यशाली हो जाऊंगी। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पंडित शिवदत्त की बात सुनकर सबकी श्रद्धा गुरुजी के प्रति आगे से भी अधिक हो गई। इसलिए हर के जरूरतमंद को यह इच्छा लगी रहती कि समय मिले तो मैं गुरुजी से अपनी मन की मुरादें पाऊं। इस इच्छाओं में ही यह एक रानी फतेह चंद मुनि की भी थी। इसके घर सब पदार्थ होते हुए भी एक बालक की कमी थी। घर सूना सूना और आंगन खाली खाली लगता था। पंडित शिवदत्त की दर्शन परीक्षा वाली बात सुनकर यह भी दोनों पति पत्नी गुरुजी के पक्के श्रद्धालु हो गए और दिन रात उनका चिंतन करने लगे।
धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। शिवदत्त के आगे भी हाथ जोड़कर निवेदन किया कि पंडित जी, आप ही गुरु जी को निवेदन कर हमें पुत्र का वरदान दीजिए। पर शिवदत्त इनको धैर्य देता और कहता, वह सबके दिलों की जानते हैं, आप प्रेम से घर बैठे ही उन्हें याद किया करो, वह अपने आप परमेश्वर होकर आपके घर आएंगे। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। शिवदत्त की बात मानकर राजा और रानी दिन रात आप जी को याद और आराधन करते थे। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कुछ दिन बाद जब राजा और रानी की इच्छा तीव्र हो गई, तो गुरु जी बालकों के साथ खेलते खेलते रानी मोनी के घर चले गए। आगे रानी मोनी एकांत में समाधि लगाकर आप जी को याद कर रही थी। आप जी छुपके ही उसकी गोदी में बैठ के प्यार से माँ जी माँ जी कहने लग पड़े। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ये प्यारी आवाज सुनकर रानी ने आंखें खोली और गुरु जी को गोद में बैठ देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। आप जी ने फरमाया, माँ जी, आपकी इच्छा थी कि आपके घर में मेरे जैसा पुत्र पैदा हो, सो मेरे जैसा मैं एक ही हूँ, आप मुझे ही अपना पुत्र समझे। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। रानी मोनी ने आप जी के ये प्यारे वचन सुनकर आपसे बहुत प्यार किया और प्रसन्नता के साथ गुरु जी की और बालकों मित्रों के लिए नौकरों को मिठाई लाने के लिए कहा। लेकिन गुरु जी ने प्यार से कहा, माता जी, बाजार से कुछ ना मंगवाओ, हम खेलते हुए आए हैं और हमें भूख लगी है, जो कुछ घर में है वही दे दिया जाए। माता मोनी को आप जी के वचन से बहुत श्रद्धा हो गई थी। इस कारण उसने चनों की गोदियाँ जो घर में तैयार थी वे बालकों को खिला दी। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इसके बाद आप जी बालकों के साथ दूसरे तीसरे दिन मोनी के घर जाकर खेलते और उसके बाग में छोटे छोटे पौधे लगाते रहते। राजा फतेह चंद ने आप जी के सत्कार में अपना यह मकान ही गुरु जी को अर्पण कर दिया, जो गुरुद्वारा मोनी संगत से प्रसिद्ध है और अब तक वह संगतों को घुंघनी प्रसाद बांटा जाता है। आनंदपुर को जाते समय आप जी यादगार के तौर पर रानी को अपने पैरों के मोजे, अपनी तस्वीर और एक कटरा दे गए थे, जो अब तक गुरुद्वारा मोनी संगत में श्रद्धालु को दिखाया जाता है। धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज। धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज।